एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे। दो लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और प्रत्येक लाइन चार्ज पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वह दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम्ब है, इसको हम 10^-6 कूलम्ब पर मीटर लिख रहे हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है। अब हमको इसके कारण इसके 1 मीटर लेंथ पर, यह अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगा, इस फोर्स को निकालना है, या इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा, इस फोर्स को निकालना है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए पहले इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, इसको मान लेते हैं पी है, यह क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ टू ड्यू टू कंडक्टर या ड्यू टू लाइन चार्ज पी, ड्यू टू लाइन चार्ज पी, यह होगा ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π ε₀ r। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई 4π ε₀ r। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ यहां, और इस एक मीटर पर जितना चार्ज होगा उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि क्यू चार्ज रखते हैं तो उस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है क्यूई। तो इतने पर चार्ज कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर पर कितना चार्ज है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक मीटर लेंथ पर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर बाई 4π ε₀ r। अब हम वैल्यू दे देते हैं, 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू हम निकाल दिया हुआ है 5 × 10⁻⁶, और लैम्डा स्क्वायर है, सो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π ε₀ इंटू आर का वैल्यू 0.1 मीटर। अब जानते हैं कि 1/4π ε₀ का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, इसलिए हम यदि 1/4π ε₀ का वैल्यू यहां दे दें 9 × 10⁹ और कैलकुलेट कर लें तो यह आ जाएगा 4.5 न्यूटन पर मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ओके,